टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनावों की बात करेंगे। 12 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव हुए, जिसमें 1.5 लाख छात्रों में से 43% छात्रों ने अपने मतदान का उपयोग किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम है। 13 सितंबर को हुए मतगणना में ABVP को डूसू में 3 व NSUI को 1 सीट पर जीत मिली। ABVP ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर कब्जा किया, वहीं NSUI को केवल सेक्रेटरी पद से ही संतोष होना पड़ा। डूसू के नए अध्यक्ष अंकित बसोया, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी ज्योति चौधरी और आकाश चौधरी NSUI से सेक्रेटरी पद पर जीते। डूसू चुनाव में कॉलेजों के 52 केंद्रों पर वोट डाले गए। चुनाव के लिए करीब 700 EVM मशीन लगाई गई थी। नॉर्थ कैंपस में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। करीब 700 पुलिसकर्मी डूसू कैंपस की सुरक्षा कर रहे थे। पुलिस ने रामजस कॉलेज के बाहर प्रश्न चिन्ह का निशान लगाए हुए व्यक्ति को भी पकड़ा। ABVP ने चुनाव से पहले डूसू के 50% बजट को महिलाओं व सामाजिक न्याय के काम में लगाने का वादा किया और खेलों को बढ़ावा और कॉलेज परिसरों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने का भी वादा किया है। अब देखते हैं जीत के बाद इन वादों का क्या होता है।